अब देखो यार, मैं हमेशा से बोलता था ना कि ये कम्युनिटी बहुत खराब है यार, क्योंकि इस कम्युनिटी में कोई हम्बल और अच्छा क्रिएटर बनके नहीं रह सकता। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग बिंजेत भाई को तो जानते ही हो, जो कि कभी कोई फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं किया, कभी किसी को गाली नहीं दिया, लेकिन आज उनके साथ इतना गलत हुआ कि बिंजेत भाई ने लिटरली यूट्यूब पे आके रो दिए यार। और उनका रोना देखकर मेरे भी आंखों के आंसू नहीं रुके यार, मैं भी रोने लगा। गाइस, बिंजेत भाई के साथ क्या हुआ आप लोग पहले ही वीडियो क्लिप देखो। आप लोग ये चीज जानते हो कि पिछले 6 साल से मैं इस कम्युनिटी में हूँ और 6 सालों में ना मैंने कोई फेक ऐप प्रमोशन किया है, ना ही मैंने किसी के साथ गलत किया, ना ही किसी के पैसे खाए, ना ही कंट्रोवर्सी की। लेकिन मेरे साथ ही क्यों, ठीक है, मतलब एकदम दिल फट रहा है आज मेरे को बोलने के लिए, ठीक है। पहले तो मेन चैनल पे बहुत सारी स्ट्राइक्स डालवाई, ठीक है, वो मैंने रिमूव की, मैंने कहीं पे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, मैंने कहा जाने दो यार, कोई बात नहीं। उसके बाद हर जगह गालियाँ, मुल्ला है तू, मुस्लिम है, जबकि आज तक हम लोगों ने मजहब के नाम पे कहीं पे भी नहीं बांटा किसी को, ठीक है। अब देखो यार, बिंजेत भाई का एक इंस्टा था जिसपे उन्होंने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट कर लिया था, और उस इंस्टा आईडी को किसी बंदे ने डिलीट करवा दिया, मतलब फेक रिपोर्ट मरवा के उन इंस्टा आईडी को बैन करवा दिया। और बस इंस्टा आईडी नहीं, बिंजेत भाई के साथ इससे पहले भी बहुत बुरा हुआ, यानी कि उनका यूट्यूब पे बहुत सारा स्ट्राइक आया था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी बिंजेत भाई ने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक अच्छे क्रिएटर है यार, लेकिन अभी उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और बिंजेत भाई सबके बुरे टाइम में सबका साथ देते हैं, तो आज मैं जा रहा हूँ उनका बुरा टाइम में उनका साथ देने। मेरे साथ आएगा कौन?